इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक लोड मैंने कैसे बनाया और उसको मैं किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने ना उसमें कांस्टेंट करंट मोड के बारे में बात की थी और सिर्फ मैंने नाम लिया था कि कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट रेजिस्टेंस मोड। तो आज हम इन दोनों मोड के बारे में बात करेंगे कि कांस्टेंट पावर मोड किस लिए काम आता है और कांस्टेंट रेजिस्टेंस मोड किस लिए काम आता है। जो कांस्टेंट पावर मोड है वो काम आता है कि पावर फ्लो की स्टडी के लिए। इससे हमें पता चल जाता है कि जैसे एग्जांपल कि मान लो सोलर पैनल को हमने टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक लोड को सेट कर देंगे 10 वॉट के आसपास और हम उसको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पूरा ग्राफ देख सकते हैं कि कांस्टेंट पावर पर वोल्टेज और करंट कितना वैरी कर रहे थे और कौन से टाइम पर वो वैरी कर रहे थे। तो इस समय पता चल जाता है कि हम एक मॉडल बना लेते हैं कि इतने पावर इस सोलर पैनल के लिए बेस्ट रहेगी इस टाइम पीरियड के लिए। तो इसलिए कांस्टेंट पावर मोड यूज़ किया जाता है कि जिससे पावर फ्लो स्टडीज़ के लिए और सेकेंड लोड मॉडलिंग के लिए, और इसको पावर सप्लाई को टेस्टिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और सोलर पैनल की टेस्टिंग के लिए भी। तो कांस्टेंट पावर मोड के अंदर ये डमी लोड की तरह काम करेगा और ये चाहे मैं कितनी भी वोल्टेज और करंट इंक्रीज कर दूंगा इनपुट के साइड पर, ये कांस्टेंट पावर ड्रॉ करता रहेगा पूरे सर्किट में से। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो कैपेसिटी है हमारे जो सिस्टम की जो हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सोर्स वो कितनी है। अब बहुत बता दिया, अब करके देखते हैं इसको। तो वही सेम यहाँ पे इसकी पावर कॉर्ड लगेगी, ये इसकी इंट्रो स्क्रीन है और ये हो गया स्टार्ट। तो बस ये रहा सेट पावर, ये वाले में ये कांस्टेंट पावर मोड के अंदर चला जाएगा, तो जहाँ पे मैं पावर सेट कर सकता हूँ सिस्टम के अंदर। तो CP कांस्टेंट पावर सेट W, W स्टैंड फॉर वॉट विच इज़ द यूनिट ऑफ द पावर, और यहाँ पे लिखा हुआ 10 वॉट। तो ये ऐसे रोटरी एनकोडर से मैं वॉट सेट कर सकता हूँ। तो 10 वॉट, 11, 12, 13, जस्ट सिंपल रोटरी एनकोडर को रोटेट करना है मेरे को। तो मैं इसको अभी सेट करता हूँ 11 वॉट पे, और पहले पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ SMPS सेम, और ये हमारा मल्टीमीटर करंट बताने के लिए, और जैसे ही मैं लोड ऑन वाला बटन दबाऊंगा वो ड्रॉ कर ले जाएगा अपना। तो 1.049 समथिंग एम्प, 10.7 वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, पर जो पावर है वो मेंटेन रखेगा 11 वॉट के आसपास, मतलब जो मैंने सेट कर रखा है। आई नो ये इतना भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि अभी करंट मेजरमेंट डिवाइस है वो अभी प्रोग्रेस में है। सो अब वॉट बढ़ा के देखते हैं, अब इसको करते हैं 20 वॉट। लोड ऑन और ये हो गया 20 वॉट ड्रॉ कर रहा है ये पूरे सिस्टम में से। वही 2 एम्प करंट और 9.9398 मतलब 10 अप्रॉक्स, और ये हो गया 20 वॉट ड्रॉ कर रहा है पूरे सिस्टम में से। जैसे ही कांस्टेंट पावर मोड होता है उसके अंदर क्या करता है कि जो हमारा प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक लोड है वो पहले वोल्टेज को कैरी करता है और वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या नाम है करंट कैलकुलेट करता है, क्योंकि पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट फॉर्मूला है। तो वो उससे निकाल लेता है कि कितना करंट सिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी सिस्टम को जिससे कि वो पावर मेंटेन रखे। तो ऐसे ही हमारा कांस्टेंट पावर मोड काम करता है। अब हम थर्ड मोड के बारे में बात करने वाले हैं, कांस्टेंट रेजिस्टेंस मोड, जिसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड है वो डमी लोड की तरह काम करेगा और एक फिक्स्ड रेजिस्टर बन जाएगा हमारे सोर्स के लिए। तो सोर्स चाहे कितना वोल्टेज और करंट देगा पर वो एक्ट करेगा एक फिक्स रेजिस्टर की तरह। वो कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू आई इंटू में आर। तो वी हमारा वोल्टेज है जो सोर्स की होगी अपॉन में रेजिस्टेंस जो हम सेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले से वो करंट निकाल लेगा और हमारे जो इंटरनल मॉस्फेट है वो उसको उतने ही अकॉर्डिंगली ऑन और ऑफ करेगा जिससे कि जो प्रोपोर्शनल ग्राफ है ना रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट का उसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन निकल रही होती है उसको वो मेंटेन रखे। कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस मोड होता है वो यूज़ किया जाता है कि बैटरी की कैपेसिटी निकालने के लिए।
क्योंकि वो फिक्स रेजिस्टर की तरह काम कर रहा होता है और हम उसमें से जो वोल्टेज और करंट फ्लो कर रहा होता है जिससे कि बैटरी स्लोली स्लोली ड्रेन करने लग जाती है और हमें पता चल जाता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और वो कितना रेजिस्टेंस संभाल सकती है। और जो कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस मोड जो होता है वो एम्पलीफायर की टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो पावरफुल एम्पलीफायर होते हैं उनके लिए। और ये रहा हमारा कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस मोड, इसको मैं जैसे बटन प्रेस करूँगा वो CR कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस दिल का सेट R हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पर रेजिस्टेंस सेट कर सकता हूँ मैं। लोड ऑन हो चुका है, यहाँ पे करंट शो होगा, यहाँ पे वोल्टेज और ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो 1.7, 1.81, 9.68। जैसे जैसे मैं रोटरी एनकोडर को घुमाऊंगा रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब मैं इसको लेके गया 8 amp 9 10, तो V इक्वल टू IR होता है, V हमारा 10 है, R हमारा 10 है और I हमारा 1 है। वाला मतलब सब सही चल रहा है। 11 12 13 20, V इक्वल टू RI, तो V अपॉन में I इक्वल टू R। मैंने प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक लोड बनाया, वो अभी भी प्रोटोटाइप वर्जन है, मतलब इसको मैं अभी भी अपग्रेड कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। और इसमें स्विच जो सिलेक्शन टेक्निक मैंने यूज़ किया है मेरे को वो भी सही करनी है, और जो रोटरी एनकोडर में जो जैसे वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं वो भी और अच्छे से करना है जिससे कि कोई साइकिल स्किप ना हो। और इसका फ़ैन के लिए मेरे को एक थर्मिस्टर या फिर कोई टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा जिससे मैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके फ़ैन ऑन कर सकूँ, क्योंकि फ़ैन बहुत नॉइजी है और जैसे ही मैं लोड को ऑन करता हूँ फ़ैन ऑन हो जाता है साथ साथ, मतलब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है अभी, तो वो भी सही करना है मेरे को। और मेरे को हाँ करंट मेजरमेंट डिवाइस भी सही करना है उसका, कि जो मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ करंट मेज़र करने के लिए उसको और थोड़ा एफिशिएंट बनाना है मेरे को, क्योंकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4 amp के बाद ना वैल्यू फ्लक्चुएट करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। जो मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। और इसमें और भी चीज़ें ठीक करनी है मेरे को, कोड को और अपग्रेड करना है कि जिससे कि एफिशिएंट वे में काम हो सके। जैसे ही इसका फाइनल वर्जन हो जाएगा जिसके अंदर करंट भी अच्छे तरीके से मेजर कर रहा होगा और स्विच भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, रोटरी एनकोडर वैल्यू स्किप नहीं करेगा, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा पैकेज तब मैं इस पर वीडियो डाल दूंगा, आराम से समझा दूंगा कि मैंने कैसे बनाया और इसकी इंटरनल वर्किंग भी मैं बता दूंगा।